म्योरपुर थाना क्षेत्र के गांव पंचायत पडरी में जमीनी विवाद को लेकर रविवार को सुबह दो सगे भाइयों में लाठियां डंडे चल गए। देखते ही देखते दोनों भाइयों की मारपीट ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक विजय शंकर सिंह और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जमुना यादव के अनुसार हरि किशन का लड़का राम सागर अपने खेत में जुताई कर रहा था कि दूसरा पक्ष शिव कुमार महेंद्र मधु सरिता जुताई कर रहे राम सागर पर कुल्हाड़ी फरसे से वार कर दिया। राम सागर को पिटता देख पिता हरि किशन मौके पर पहुंचा। हरि किशन के पहुंचते ही चारों ने हरि किशन के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे हरि किशन जमीन पर गिर पड़ा। पिता को जमीन पर गिरा देख छोटा लड़का राजेश मौके पर पहुंचा। चारों ने राजेश पर भी वार कर दिया, जिससे पिता पुत्र मौके पर ही अचेत होकर गिर गए। राम सागर, ये कैसे मारपीट हुआ है? ये जमीन पिताजी का हिस्सा जो कि हम जोत रहे थे। अच्छा, पचासों साल से कभी वो जोता ही नहीं है। जब हम जोतने गए तो वो लोग अचानक सब इकट्ठा हो के असर मिला, घेर कर मारने लगे। कितने मिला घेरे थे? उसमें उसके तीन लड़के, एक सरिता नाम की उसकी मछली पतो है। अच्छा, ये लोग सब फरसा कुल्हाड़ी लाठी लेकर के सब मारने लगे। तब जैसे जैसे हमारे घर वाले देखे कि मार रहे हैं, तब बचाने के चक्कर में एक एक करके आते जा रहे हैं, सबको मार कर वही फरसा कुल्हाड़ी से गिरा दिए। अच्छा, क्या नाम है पिताजी का तुम्हारे? हरि किशन। तुम्हारा नाम? राम सागर। कहाँ घर है? पड़री बराई डांट। किस टोले का मामला था? एकदम खास बराई डांट टोले का। एक मारपीट का मामला आया था, क्या स्थिति है उसमें? हमारे पास पांच लोग मारपीट के आए थे, दो की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, जिसमें इलाज के दौरान एक पुरुष हरि कृष्ण नाम का 60 साल का उसकी मृत्यु हो गई है, और बाकी एक को रेफर करके हम लोगों ने जिला अस्पताल भेजा, बाकी तीन लोग इलाज हो रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।